हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं जब आप जोसा काउंसिल में कोई भी एक सीट अलॉट होता है किसी भी राउंड में, उस टाइम कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं एट द इंस्टेंट आपको वेरीफिकेशन करने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन वेरीफिकेशन करने के लिए। और आपको लाइक बहुत सारे इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जब आप कॉलेज के वेबसाइट पर या उसके ऑफलाइन सेंटर पर रिपोर्टिंग करोगे तब। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखे हैं जिसमें मैंने बताया कि 20 डॉक्यूमेंट ऐसे कौन कौन से हैं जिसको आपको जरूरत है। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ देख लीजिए। और अगर आप काउंसिलिंग हेल्प डेस्क नहीं ज्वाइन किए हैं और करना चाहते तो डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं ज्वाइन, वो भी आपका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर दिए आपको थोड़ी देर में कॉल आ जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं कि जब भी आपको सीट अलॉट होगा कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो यार ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट अभी से ही आप बनवा के रखिए, ठीक है। तो जो पहली डॉक्यूमेंट होती है वो 12th की मार्कशीट चाहिए होती है। 12th की मार्कशीट जो होती है वो एज अ आप कह सकते हो कि आप डोमिसाइल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपका होम स्टेट आप क्लेम करते हो वो 12th की मार्कशीट से ही हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, पहली डॉक्यूमेंट। दूसरी डॉक्यूमेंट आपका डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने के लिए आपकी जो 10th की मार्कशीट होती है उसको हम लोग यूज करते हैं। ऑलराइट, आपका डाउट ये भी क्लियर हो गया। तीसरी जो डॉक्यूमेंट होती है वो होती है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, किस तरीके से फॉर्मेट, क्या चीज़, सब कुछ एक अलग से इस पर एक वीडियो आएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, सारा कुछ अपडेट आपको मिल जाएगा, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट से ऊपर। तो तीसरी डॉक्यूमेंट होती है मेडिकल सर्टिफिकेट। चौथी जो डॉक्यूमेंट होती है वो कि आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं लाइक ओबीसी एनसीएल एससी एसटी, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करना होता है, वो भी लेटेस्ट वाला 1 अप्रैल के बाद वाला, ठीक है। इसमें एससी एसटी वाले पहले का भी उनका चलेगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए। ओके, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट जो है, जब आप पेमेंट करोगे, ये कोई लोग बहुत कम ही लोग बताते हैं, ठीक है, तो मैं आपको इसमें बताता हूं कि जब आप पेमेंट करोगे ना, तो पेमेंट करते टाइम आपको या तो कैंसिल क्रॉस चेक, मतलब कि ब्लैंक ब्लैंक एक चेक होगा उसको आप क्रॉस करना है, ठीक है, उसमें कुछ फिल नहीं करना है, क्रॉस करके उसको फोटो खींच के अपलोड करना होता है। और या तो उसके जगह क्रॉस चेक के जगह आप बैंक का पासबुक का फोटो भी अपलोड कर सकते हो। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं अगर आपने पेमेंट किया 40,000 या 20,000, अगर मान लेते हैं लास्ट में अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो वो जो पैसा होता है ना उसी अकाउंट में रिफंड होता है जो आप बैंक का पासबुक दोगे या जो आप चेकबुक दोगे, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए वही चेक देना जो आपके पास होगा, आपके पेरेंट्स के पास। ओके, तो आई होप आपको ये सारा कुछ डाउट क्लियर हो गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग एट जोसा काउंसलिंग। अगर आपको ये डाउट क्लियर हो तो डेफिनेटली लाइक जरूर करेगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।